निसान ने कार तो बहुत ही खूबसूरत बनाई है, लेकिन अगर आप ये कार लेने की सोच रहे हैं तो आपको तीन ऐसी बातें इस कार के बारे में बताऊंगा जो मुझे पर्सनली पसंद नहीं आई। नंबर वन, आप ये स्टीयरिंग कॉलम के नीचे का एरिया देख रहे हैं, पूरा का पूरा कॉलम एकदम नंगा दिख रहा है जो कि बहुत ऑड सा लगता है। हाँ, ये अपनी अपनी चॉइस हो सकती है, पर ये पर्सनली मुझे पसंद नहीं आया। पॉइंट नंबर टू, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आज भी आपको इस कार में एकदम ट्रेडिशनल टाइप के लॉक देखने को मिलते हैं जो कि यार थोड़े से अटपटे से लगते हैं, इनको देख के यार वो फील नहीं आता है। पॉइंट नंबर थ्री, ये जो आप एरिया देख रहे हैं ना, ये प्लास्टिक बॉडी, ये एकदम लुचलुच सी, एकदम हिल रही है जो इतना शेकी नहीं होना चाहिए। अब ये क्या है ना, हाई स्पीड में आप चलेंगे तो बहुत नॉइस प्रोड्यूस करती है। बेसिकली बोला जाए तो ये फिट एंड फिनिश का मामला है। अब आप क्या बोलते हैं इन पॉइंट्स के बारे में, प्लीज अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा। लेकिन ओवरऑल ये कार काफी अच्छी है।